झरिया से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सद्दाम और बंटी अंसारी ने नामांकन दाखिल किया है। आज नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है, इसमें अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी यहां आकर नामांकन दाखिल किए हैं। उसी क्रम में झरिया से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बंटी अंसारी ने नामांकन दाखिल किया है। अब उनसे हम सीधे जुड़ेंगे और बात करेंगे कि नामांकन दाखिल करने के बाद अब उनकी रणनीति क्या होगी, किस मुद्दे पर वो झरिया की जनता से वोट मांगेंगे। देखिए प्लान कुछ नहीं, हम युवा हैं और युवा का बात करते हैं। आज युवा बेरोजगार है, आज युवा 10,000-15,000 की सैलरी के और तनख्वाह के लिए लोग दिल्ली बम्बई कलकत्ता और जान के आपको आश्चर्य होगा कि सऊदी विदेश लोग कमाने जाते हैं, दो दो साल तीन तीन साल अपना माँ बाप भाई बहन दोस्त यार हर सुख दुख में बिछड़ के रहते हैं। तो हम युवा हैं और युवा का दर्द समझते हैं। आज युवा को कोई प्रॉब्लम हो जाता, छोटा सा थाना का भी प्रॉब्लम हो जाता है, ये माफिया ये घराना सुनने को तैयार नहीं है। तो हम खुद एक यंग हैं और नौजवान हैं और युवा हैं, हम अपना दर्द, हम अपने आप को जब दर्द को समझे तो हमको लगा कि झरिया विधानसभा का सारा युवा का ही दर्द होगा। तो उनका दर्द मिटाने और उनका दुख बांटने हम मैदान में आए हैं। आपके पिताजी भी खड़े हैं झरिया से ही और आप भी खड़े हैं, तो प्रतिद्वंदिता क्या कुछ सामने आ सकती है? कोई सामने नहीं आएगा, जहाँ पापा हैं वहाँ बेटा है, जहाँ बेटा है वहाँ पापा है, आने वाले समय में पता चल जाएगा कैंडिडेट कौन है। तो मतलब दोनों का मुख्य एक ही उद्देश्य है या फिर अब आप लोगों ने कुछ अलग अलग प्लान कर रखा है? कोई उद्देश्य नहीं भैया, मैं झरिया के निवासी हूँ, आप मुझे नेता ना माने, मुझे आप क्वेश्चन करें कि मैं झरिया के निवासी हूँ। ये जो दोनों घराना एक घराना है जो पैसा बंटवारा के नाम पे आज जो दो चोला पहने हुए हैं उनके खिलाफ, वो झरिया का दर्द नहीं समझ सकते हैं? वो तो धनबाद में उनका निवास है। इसके लिए अब ये गुंडा राज माफिया राज ये अपराधी लोग को भगाने के लिए पूरा झरिया की जनता ने ठाना है इस बार। एक बात और बताइएगा, राष्ट्रीय पार्टियां हैं झरिया में, एक तरफ भाजपा है एक तरफ कांग्रेस है, ऐसे में आप निर्दलीय हैं, अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? सबसे ऊपर देख रहे हैं। ये राष्ट्रीय पार्टी को समझना चाहिए कि अपराधी को टिकट कैसे दे दिए हम, ये तो राष्ट्रीय पार्टी से आपको क्वेश्चन करना चाहिए। और मैं नहीं लड़ रहा, झरिया लड़ रहा है, झरिया के युवा लड़ रहा है और झरिया का जनता लड़ रहा है। और इंदिरा चौक पे बाप बेटा जो जमीन दो जगह है उस टाइप का परिवार लड़ रहा। आज बस्ताकोला में शिव मंदिर के बगल में गोप हो गया, वहाँ के लोग लड़ रहे हैं। आज मेन रोड झरिया में मेन रोड में गैस रिसाउट हो रहा है, वहाँ के लोग लड़ रहे हैं। आज झरिया लड़ रहा है, झरिया की जनता लड़ रही है। युवाओं को लेकर क्या कुछ प्लान है आपका, चूँकि युवा आज के डेट में भटकाव की स्थिति में है, पलायन कर रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा उनको? सिर्फ ये घराना, ये सिंह मेंशन और रघुकुल की वजह से झरिया के जनता और झरिया के युवा और झरिया के नौजवान पलायन कर रहे हैं। 9-9, 10-10 आउटसोर्सिंग है, रहने के बाद भी 15-20 हज़ार के रोजगार के लिए लोग इंडिया के कोना कोना में और विदेश जाते हैं। मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूँ, जीत हार तो माता रानी और ऊपर वाला के हाथ में, रिजल्ट जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं। जनवरी से जयराम टाइगर मौतों से सारा बात हो रखा है, पूरा झरिया का कोयलरी और आउटसोर्सिंग का चक्का जाम होगा। जब तक यहाँ स्थानीय और यहाँ के जो युवा रोजगार हैं, जब तक उनको रोजगार नहीं मिलेगा, झरिया विधानसभा का एक छड़ा कोयला झरिया विधानसभा से बाहर नहीं जाएगा। मतलब जैसे कि आपके पिताश्री ने बताया, आप भी बता रहे हैं, आप लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं को रोजगार देने का काम करें? मुख्य उद्देश्य है युवाओं को रोजगार, मुख्य उद्देश्य है कि हमारा कोयला, हमारा आंगन, हमारा घर उजाड़ के और जम्मू कश्मीर दुबई दिल्ली गुजरात रोशन हो रहा, तो हमको ना पहले रोशन होना चाहिए? ये हक तो हमारा, हमारे ग्रामीणों का, हमारे झरिया वासियों का है। इसके लिए देखिए अनेक मुद्दा है और हम कहेंगे कि आपने आपके चैनल से कि एक बार झरिया में आप सर्वे करें और झरिया के सच्चाई को आप दिखाएं। ये बंटी कुमार हैं, झरिया से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हैं। यहाँ बता दें कि इनके पिता भी JLKM से झरिया में ही मैदान में उतरे हैं और इन्होंने स्पष्ट बताया कि युवाओं को लेकर, युवाओं को जो समस्या हो रही है, पलायन युवा कर रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रही उन्हें, उनके रोजगार की दिशा में कार्य करेंगे। कई तरह के आउटसोर्सिंग कंपनियाँ झरिया में संचालित है, कोयला यहाँ का है और यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये मुखर होकर युवाओं की समस्याओं को उठाएंगे और तमाम युवाओं को जो आज भटकाव की स्थिति में, उन्हें रोजगार देने का काम करेंगे। अब देखना होगा जनता का मूड क्या है, जनता किसे सत्ते पर बैठाती है और किसे नकारती है, यह परिणाम आने के बाद ही मालूम चल पाएगा। लेकिन हम अपने तमाम दर्शकों से यह अपील जरूर करेंगे कि लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपना कीमती वोट जरूर दें, मतदान केंद्रों में जाए और अपना कीमती वोट जरूर दें, चूंकि आपके एक वोट से ही आपके शहर के विकास की गाथा लिखी जा सकेगी। चुनाव से जुड़ी तमाम तरह की खबरों से लगातार हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।